हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हजार है। तो महाभारत का एपिसोड 129 अभी देखेंगे। लास्ट में वो कर्ण आया था, वो लड़की जो थी, कौन उसका नाम था यार, उसको लेकर आ रहा था। तो सारे भाई आमने सामने आ गए और कृष्णा जी भी साथ थे। तो देखते हैं अभी क्या इनकी गुफ्तगु होती है, ये मुलाकात कैसी होगी आपके साथ, देखते हैं। प्ले करें। कर्ण प्रणिपात, हमारा नगर देखने पधारे हैं। कल्याण हो अर्जुन, मुझे आपके नगर में कोई रुचि नहीं। ये कन्या वृषाली जब हस्तिनापुर से प्रजाजन का इंद्रप्रस्थ जाना निषिद्ध घोषित हुआ था, उसके पहले इसने हस्तिनापुर का त्याग कर दिया था, इसलिए आपकी प्रजाजन है, इसे सुरक्षित यहां पहुंचाने आया हूं मैं। अपनी सुरक्षा का क्या प्रबंध किया इंगराज? भूल गए हमारी माता को बंदी बनाया है? केवल माता को नहीं, सारी प्रजा को बंदी बनाया हस्तिनापुर ने। प्रजाजन बंदी नहीं कुमार सहदेव, केवल व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ समय के लिए उन पर यह बंधन डाला गया है। युवराज दुर्योधन अवश्य ही अपने प्रत्येक प्रजाजन के सुख दुख का विचार करें, और कुमार नकुल, राजमाता कुंती हस्तिनापुर में बंदी नहीं, राज परिवार की सदस्य हैं। उन्होंने स्वयं यहां न आने का निर्णय लिया है। असत्य। हमारी माता नगर पूजन में क्यों नहीं आएगी? विवाद मत करो नकुल, पात्र की छवि को यह अधिकार नहीं होता कि वो किस दिशा में बैठे। उसका पूरा जीवन केवल पात्र और प्रकाश पर निर्भर होता है। अंगराज क्या जाने कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, तो केवल भ्राता दुर्योधन के शब्दों को रटते हैं। मैंने अंग के राज्य का त्याग कर दिया है अर्जुन, अब मैं एक सामान्य प्रजाजन हूं, मुझे तुमसे युद्ध करने में कोई मर्यादा नहीं और न तुम्हें होगी। धनुष उठाओ अर्जुन, अभी निर्णय कर लेते हैं हम में से कौन श्रेष्ठ है। दांत महारथी कर्ण, युद्ध करने का कारण होगा तो युद्ध भी अवश्य करेंगे। किंतु अभी आप इंद्रप्रस्थ के अतिथि हैं और पांडव अतिथि पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। मुझे आपके रक्षण की आवश्यकता नहीं है वासुदेव, मेरा रक्षण स्वयं भगवान सूर्य नारायण करते हैं। मैं यहां पांडवों का अतिथि बनने नहीं आया, उनकी माता का संदेश उन तक पहुंचाने आया हूं। उन्होंने ये संदेश भेजा है कि नगर पूजन के तुरंत बाद स्वतंत्र हो जाओ। जब तक इंद्रप्रस्थ पर स्वतंत्र पताका नहीं फहरेगी,
वो इस नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। ये संदेश आप लेकर आए महारथी कर्ण? अपने प्रिय मित्र को नहीं बताया? मैं युवराज दुर्योधन का मित्र हूं, गुप्तचर नहीं। जब तक आप लोगों ने यह संदेश नहीं सुना था, तब तक आप लोगों का स्वतंत्र होना एक शंका थी, और शंकाएं बताने का कार्य गुप्तचर का होता है। किंतु अब ये एक जानकारी है जो मैं अपने मित्र को अवश्य दूंगा। और यदि युद्ध हुआ तो अपने मित्र के रक्षण के लिए सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा। ये मेरा धर्म मुझे सिखाता है। अद्भुत महारथी कर्ण, आपसे यही अपेक्षा थी। यदि हस्ति तदन्यत्र यदि हस्ति न तद्वचित् धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भर्तर्षभा। यदि हस्ति तदन्यत्र यदि हस्ति न तद्वचित् यदि हस्ति न तद्वचित्। इस कन्या को इसके पिता तक पहुंचा देना। कन्या, रुशाली नाम है ना तुम्हारा? उस जैसा वीर पुरुष दूसरा नहीं मिलेगा। तुम्हारे और उसके बीच अंतर बड़े उससे पूर्व, यदि तुम्हारी इच्छा तो उसके पीछे जा सकती हो। आप कभी
खाली हाथ लौटाते नहीं महारथी कर्ण। एक दान मुझे भी मिलेगा? किंतु मेरे पास अब तुम्हें दान में देने के लिए कुछ शेष नहीं है वृषाली। राज्य और कोष दोनों का त्याग कर चुका हूं मैं। अंतिम जो कुछ मुद्राएं शेष थीं, वो नदी तट पर फेंक दी हैं। राज्य कोष त्यागने के बाद जो कुछ बचा है आपके पास, वही प्राप्त करने की इच्छा है मुझे। आपका साथ दान में मिलेगा राधे? मेरे साथ जीवन कठिन होगा वृषाली। आपके साथ कठिन जीवन भी सरल हो जाएगा राधे। साथ चलने देंगे? यदि तुम मेरा मार्गदर्शन करोगी तो